गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट चल रही थी अपनी थर्ड, आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स वाले यूनिट्स में हम पढ़ेंगे यहाँ पे लैटिस डिफेक्ट्स, ठीक है। कल की क्लास में हमने पढ़े थे पैकिंग फ्रैक्शन, पढ़ा था क्रिस्टलो में कि बीसीसी में 68% आया था अपना, और एफसीसी में और एचसीपी में आया था अपना 74%, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज की क्लास में यूनिट थर्ड आयनिक सॉलिड्स। इसमें अपना टॉपिक रहेगा आज का लैटिस डिफेक्ट्स। लैटिस डिफेक्ट्स को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, जालक दोष कहेंगे। तो देखें जालक दोष क्या होते हैं। जालक दोष का मतलब जालक में दोष का आना, लैटिस में डिफेक्ट का आना। लैटिस क्या था कि जो क्रिस्टल आयनिक सॉलिड्स के जो क्रिस्टल बने थे उनको हमने लैटिस नाम दिया था यहाँ पे। अब ये मतलब कि वो सॉलिड स्टेट में तो होते हैं, तो सॉलिड स्टेट में तो क्या होना चाहिए, जो आयन्स है उनका अरेंजमेंट एकदम से सही होता है, तो उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं पाया जाता। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है कि क्रिस्टलों में आयनों का क्लोज पैकिंग होने के बाद भी आयनों के बीच में कुछ रिक्त स्थान रह जाता है, जिनके कारण से जो रिक्त स्थान या वॉइड्स में जो केटायन्स जाते हैं, तो केटायन्स क्या होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, तो उस वॉइड्स में वो सही से फिट नहीं हो पाते, कुछ जगह और बच जाती है। या फिर ऐसा होता है कि जो साइज होता है केटायन का वॉइड के साइज से बड़ा है, तो भी वो केटायन्स उस वॉइड में सही तरीके से फिट नहीं हो पाता है। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि कोई भी क्रिस्टल है वो 100% कंप्लीट सही नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत डिफेक्ट्स या त्रुटियां पाई जाती हैं। और क्रिस्टलों में जो त्रुटियां पाई जाती हैं, दोष पाए जाते हैं, इन्हें हम लैटिस डिफेक्ट्स या जालक दोष के नाम से जानेंगे। अब देखें कि कई बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड्स होता है, कोई भी आयनिक ठोस है, उसके लैटिस में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट्स नहीं पाया जाता है। यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पे वो एक पूर्ण क्रिस्टल ठोस की तरह बिहेवियर करता है। लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर तो पॉसिबल नहीं होता हर जगह पे, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो ऐसा होता नहीं है। रूम टेम्परेचर तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो रूम टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ देखते हैं वो हम रूम टेम्परेचर पे देखेंगे। जब रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड्स के लैटिस के अंदर डिफेक्ट्स उपस्थित है, तो हम यही कहेंगे कि उसमें क्या है, दोष उपस्थित है। 0 केल्विन पे तो नहीं होता, लेकिन 0 केल्विन के अलावा बाकी सभी टेम्परेचर्स पे लैटिस में क्या होता है, दोष या डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन क्रिस्टलों में पाए जाने वाले दोष को हम क्या कहेंगे, जालक दोष या लैटिस डिफेक्ट्स के नाम से जानेंगे। अब देखें ये बात आती है कि लैटिस डिफेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मुख्य रूप से लैटिस डिफेक्ट्स है वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट रहेगा लैटिस डिफेक्ट्स में आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, सेकंड रहेगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, थर्ड रहेगा अपना केमिकल इम्प्योरिटीज। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में भी आगे 2 पार्ट्स हैं, शॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट्स, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में भी 2 प्रकार हैं, मेटल इन एक्सेस और मेटल इन लेस, कम मात्रा में धातु अधिक और धातु न्यूनता, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी। और थर्ड जो केमिकल इम्प्योरिटीज है उसमें भी आपके 2 टाइप हैं। तो कुल मिला के जालक दोष या लैटिस डिफेक्ट्स कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के हो गए, लेकिन हम उनको मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही मानेंगे। फर्स्ट लैटिस डिफेक्ट्स रहेगा आपके, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 3 प्रकार के लैटिस डिफेक्ट्स पाए गए हैं। फर्स्ट रहेगा अपना स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, सेकंड रहेगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और थर्ड रहेगा अपना केमिकल इम्प्यूरिटीज, रासायनिक अशुद्धियां, ठीक है। तो कितने प्रकार के दोष हो गए, मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो गए, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और केमिकल इम्प्यूरिटीज। स्टोइकियोमेट्रिक को हिंदी में बोलेंगे हम रस समीकरण मितीय दोष, रस समीकरण मितीय दोष। इसको हम बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को अरस समीकरण मितीय, अरस समीकरण मितीय
दोष, और इनको हम बोलेंगे हिंदी में रासायनिक अशुद्धियां। तो कुल मिलाकर के कितने प्रकार के दोष हो गए अपने? 3 प्रकार के। अब इन दोनों को बारी बारी से पढ़ना है। पहले ये देखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक होते क्या है कंपाउंड्स, यानी स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में पाए जाने वाले दोष, स्टोइकियोमेट्रिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में पाए जाने वाले डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और ये केमिकल इंप्योरिटी जो स्टोइकियोमेट्रिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोनों प्रकार के कंपाउंड्स में पाई जाती है। तीनों को पढ़ेंगे हम एक एक करके। फर्स्ट देखें यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, जिसे हम हिंदी में नाम दे रहे हैं रस समीकरण मितीय दोष। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स या रस समीकरण मितीय यौगिक क्या होंगे। तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में आप देखेंगे वे कंपाउंड्स जिनको हम एक जनरल फॉर्मूले के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हो, उन्हें हम स्टोइकियोमेट्रिक या रस समीकरण मितीय यौगिक कहेंगे। वे कंपाउंड्स जिनको एक जनरल फॉर्मूले के द्वारा एक्सप्रेस या शो किया जा सकता हो, उन्हें हम स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलेंगे। जनरल फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया Ab, जैसे NaCl का यौगिक है उसको हम Ab से शो कर सकते हैं। A की जगह आ जाएगा Na और B की जगह आ जाएगा Cl। सीजियम क्लोराइड है इसको भी हम शो कर सकते हैं। जिंक ऑक्साइड है तो जड़न की जगह ए आ जाएगा। अब इसका मतलब नहीं कि ए के ऊपर +1 है, -1 है, +2 है, -2 है, ये बोला कि जितनी संख्या इनकी है उतनी इनकी है, शो कर रहे हैं इसको। तो जिंक ऑक्साइड है, जिंक सल्फाइड है, ये सारे किस में रखे जाएंगे? इसके अंदर रखे जाएंगे। ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो वे कंपाउंड्स जिनको एक जनरल फॉर्मूले के द्वारा एक्सप्रेस किया जा सकता हो, और वो उतने ही जितने इस फॉर्मूले में प्रेजेंट है उतने ही वो लेटिस में प्रेजेंट हो, तो उन्हें हम स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के नाम से जानेंगे। अब देखें जो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें दो प्रकार के दो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में जो या फिर लेटिस होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक उनमें जो डिफेक्ट्स पाए जाते हैं उनको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के नाम से हम जानेंगे। अब देखेंगे हम जो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पाया जाता है इसके अंदर शॉटकी डिफेक्ट्स, सेकंड रहेगा फ्रेंकल डिफेक्ट्स। ठीक है, तो दो प्रकार के डिफेक्ट्स पाए जाएंगे। शॉटकी को हिंदी में भी शॉटकी बोलेंगे, शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष। अब इन दोनों को पढ़ना है हमें कि शॉटकी दोष क्या होता है और फ्रेंकल दोष क्यों क्या होता है। आप सबसे पहले तो ये बात आती है कि इनका नाम क्यों रखा गया था। तो शॉटकी डिफेक्ट्स की खोज सबसे पहले शॉटकी नाम के साइंटिस्ट ने की, तो इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया शॉटकी डिफेक्ट्स। तो इसी प्रकार से फ्रेंकल डिफेक्ट्स था, उसकी खोज भी फ्रेंकल नाम का ही एक साइंटिस्ट था उसके द्वारा की गई थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया यहाँ पे फ्रेंकल डिफेक्ट्स है वो रख दिया। अब इन दोनों को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग लिखे इसमें शॉटकी डिफेक्ट्स, स्टोइकियोमेट्रिक या रस समीकरण मितीय के अंदर फर्स्ट हेडिंग आएगी अपनी शॉटकी डिफेक्ट्स। शॉटकी नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसको सबसे पहले प्रेक्षित किया, ऑब्जर्व किया, इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया शॉटकी डिफेक्ट्स। हेडलाइन तो यही रह जाएगी कि शॉटकी नाम का साइंटिस्ट था, उसने खोज की थी शॉटकी डिफेक्ट। देखें शॉटकी डिफेक्ट्स होता क्या है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे किन क्रिस्टलों में पाया जाता है, इसके कारण से होगा क्या क्रिस्टल में। देखें शॉटकी डिफेक्ट्स में कोई भी क्रिस्टल जालक होता है, उस क्रिस्टल जालक में हम ये कहेंगे कि कोई भी बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। शॉटकी डिफेक्ट्स है ना, शॉटकी डिफेक्ट्स, इसको यहाँ पे लेटिस डिफेक्ट्स भी कहा जाता है, सॉरी इसको वैकेंसी डिफेक्ट्स कहा जाता है। लेटिस तो दोस्तों है ही है, ये इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, वैकेंसी डिफेक्ट नाम रखा गया है। दूसरा नाम इसका क्या रखा गया है, इसी दोष का नाम वैकेंसी डिफेक्ट्स यानी रिक्तिका दोष भी इसका नाम रखा गया है। हिंदी में भी इसको बोलेंगे रिक्तिका दोष।
अब इस डिफेक्ट्स या दोष को रिक्ति का दोष क्यों कहेंगे वो हम पढ़ेंगे। देखें एग्जाम्पल के रूप में हम कोई भी एक क्रिस्टल ले लें, जैसे कि हमने यहाँ पे ए बी का क्रिस्टल ले लिया, ए बी नाम से कोई भी कंपाउंड है, तो ए पॉजिटिव है उसमें और बी नेगेटिव के रूप में, तो इस प्रकार से क्रिस्टल रहेगा वो ए पॉजिटिव, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ। ठोस गोलों के रूप में होते हैं ये, अपन बना लेंगे यहाँ पे, इक्वल डिस्टेंस होते हैं बीच में, अपन सही से बनाना इसको। ठीक है, इस प्रकार से ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहेंगे। ये था, ठीक है, इस प्रकार से क्रिस्टल बनेगा, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए के नीचे बी नेगेटिव और इसके नीचे ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, और ए पॉजिटिव। इस प्रकार से ये ए बी सोलिड्स का कोई आयनिक क्रिस्टल है, उसमें इस प्रकार से आयन्स व्यवस्थित अरेंज रहेंगे। अब इसमें शॉर्ट के डिबेट्स में क्या होता है कि बराबर संख्या में इक्वल नंबर में धनायन और ऋणायन केटायन और एनायन अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल जालक में से बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि एक धनायन था और कोई भी एक ऋणायन है, बराबर संख्या में जाने चाहिए, एक धनायन जाएगा तो एक ऋणायन जाएगा, यदि दो केटायन क्रिस्टल में से बाहर जाते हैं तो दो एनायन भी बाहर ही जाएंगे, तो इक्वल संख्या में। तो इसमें डेफिनेशन लिखेंगे शॉर्ट के डिफेक्ट्स, उसमें यही लिखा जाएगा कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में से इक्वल नंबर या समान संख्या में धनायन और ऋणायन केटायन और एनायन अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल जालक से या लैटिस से बाहर निकल जाते हैं, तो इस प्रकार क्रिस्टल में उसके टाइन और एनायन के स्थान पे क्या होगी, रिक्तिका उत्पन्न होगी, होल बन गए यहाँ पे, ये वैकेंसी बन गई। इस कारण से जो दोष उत्पन्न होता है क्रिस्टलों में उसे रिक्तिका दोष, रिक्तिका बन गई क्रिस्टल में केटायन और एनायन के क्रिस्टल में से बाहर जाने से, इस कारण से इसे वैकेंसी डिफेक्ट्स या रिक्तिका दोष के नाम से जाना जाता है। और ये सोटकी नाम का साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले आयनिक क्रिस्टलों में ये डिफेक्ट्स ऑब्जर्व किया था, प्रेक्षित किया था, इस कारण से इस डिफेक्ट को सोटकी डिफेक्ट्स के नाम से जाना जाएगा। अगले समझ में ये रहेगा आपका सोटकी डिफेक्ट्स। अभी जो खाली स्थान है ना, इसके अंदर कोई भी और केटायन आ जाएगा, ये केटायन यहाँ आ गया तो इसकी जगह खाली रहेगी, इस एनायन की जगह दूसरा एनायन आ जाएगा, ये आ गया तो इसकी जगह खाली होगी, इस प्रकार एनायंस और केटायंस है वो क्रिस्टल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते रहते हैं, इस कारण से इन क्रिस्टलों में आयनिक चालकता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि आयनों की गति करने के कारण जो चालकता उत्पन्न होती है उसे हम आयनिक कंडक्टेंस या आयनिक चालकता के नाम से जानेंगे। अब इस क्रिस्टल में आयंस केटायनों और एनायनों के क्रिस्टल जालक में से बाहर चले जाने के कारण ये जो वैकेंसी बचती है इनकी, इनकी स्थान पर क्रिस्टल में प्रेजेंट अदर केटायन और एनायनों के आ जाने से उनकी जगह खाली हो जाएगी। अब इनकी जगह खाली हुई तो इनकी स्थान पे और केटायन से एनायन आ जाएंगे, तो इस प्रकार से पूरे क्रिस्टल में शॉर्ट के डिफेक्ट्स के कारण से केटायन्स और एनायन्स यानी आयन्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूविंग या गति करते रहते हैं, इस कारण से इस डिफेक्ट्स के कारण से इस आयनिक क्रिस्टल में आयनिक कंडक्टेंस या चालकता उत्पन्न हो जाती है। ये रहेगा इसमें शॉर्ट के डिफेक्ट्स या रिक्तिका दोष। अब आता है कि किस प्रकार के क्रिस्टलों के द्वारा ये दोष है वो प्रदर्शित किया जाता है, तो इसमें आएगा कि वे क्रिस्टल्स जिनमें केटायंस और एनायंस का साइज इक्वल साइज के धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, उन आयनिक क्रिस्टलों के द्वारा शॉर्ट के डिफेक्ट्स प्रदर्शित किया जाता है। वे आयंस या वे आयनिक सॉलिड्स जिसमें केटायंस और एनायंस की साइज इक्वल रहती है उनके द्वारा शॉर्ट के डिफेक्ट्स प्रदर्शित किया जाता है।
एग्जाम्पल्स में आते हैं कि अक्षार धातुओं के जितने भी क्लोराइड हैं, NaCl है, KCl है, इसके अलावा सीजियम क्लोराइड है, RbCl है, इन सभी के द्वारा शॉर्ट के डिफेक्ट प्रदर्शित कहता है। इसके अलावा जो AgBr है, सिल्वर हेलाइड, उसके द्वारा भी शॉर्ट के डिफेक्ट प्रदर्शित किया जाता है। तो आ गया कि शॉर्ट के डिफेक्ट किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, जिनमें धनायनों और ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है, उनके द्वारा ये दोष प्रदर्शित किया जाता है। ये रहेगा शॉर्ट के डिफेक्ट्स, इस दोष इसके नाम से जानेंगे, क्योंकि क्रिस्टल में धनायन ऋणायनों जाने से विकेंद्रीय रिक्तिका बन जाती है। किन के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, यही इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। और इसके कारण से क्रिस्टल में विद्युत चालकता या आयनिक चालकता उत्पन्न हो जाती है। ये रहेगा आपका शॉर्ट की डिफेक्ट्स, जो कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का फर्स्ट पार्ट रहेगा। उसके बाद देखें सेकेंड टाइप रहेगा फ्रेंकल डिफेक्ट्स। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का सेकेंड टाइप रहेगा फ्रेंकल डिफेक्ट्स। ठीक है, ये जो ABCl की ना, A पॉजिटिव बी नेगेटिव, इसकी जगह यदि NaCl होता तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पोटेशियम क्लोराइड होता तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस प्रकार से रहते हुए। तो हमने जनरल प्रदर्शित किया यहाँ पे कि AB कोई भी आयनिक सॉलिड है, A केटायन है, B एनायन है, उनको यहाँ पे शो किया। उसके बाद में सेकेंड डिफेक्ट्स देखें, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का सेकेंड टाइप रहेगा यहाँ पे फ्रेंकल डिफेक्ट्स। फ्रेंकल डिफेक्ट्स, फर्स्ट बात की फ्रेंकल डिफेक्ट्स क्यों कहेंगे, तो ये जो फ्रेंकल डिफेक्ट्स अभी हम डिस्कस करेंगे, वो सबसे पहले आयनिक क्रिस्टलों में फ्रेंकल नाम के साइंटिस्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया, देखा गया, तो उसी के नाम पे इस डिफेक्ट्स को फ्रेंकल डिफेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। आगे समझ में। सेकेंड इसका नाम क्या रहेगा, सेकेंड इसका नाम रहेगा इंटरस्टीशियल डिफेक्ट्स। सेकेंड क्या नाम रहेगा इसका, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट्स, हिंदी में हम इसको बोलेंगे अंतराकाशी दोष। इंटरस्टीशियल डिफेक्ट्स क्यों कहेंगे इसको, ये भी देखेंगे। पहले हम देख रहे थे कि ये फ्रेंकल डिफेक्ट्स होता क्या है, फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष क्या होता है वो देखें यहाँ पे। इसमें देखा इसी प्रकार से क्रिस्टल है ए पॉजिटिव और यहाँ से निकाला था हमने बी नेगेटिव, ये है। अब इसमें क्या होगा वो देखें, इसमें होता ये कि पूरे इस प्रकार से क्रिस्टल बना हुआ है, कोई भी हो इसकी जगह AgBr, AgCl, AgF, कोई भी कंपाउंड हम ये माने धनायन और ऋणायन, केटायन और एनायनों से इस प्रकार का क्रिस्टल बना हुआ है। अब इसमें क्या होगा, कोई भी एक केटायन, एक माने या एक से अधिक माने, हम एक मान के चल रहे कि धनायन अपने स्थान छोड़ करके यहाँ आ जाएगा ए पॉजिटिव, यहाँ से चल के यहाँ आ गया। ये क्या है, ये आयनिक सॉलिड्स में ये केटायनों के बीच का रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान को हम इंटरस्टीशियल या अंतराकाश के नाम से जानते हैं। आगे समझ में। अब ये जो अंतराकाश है इसके अंदर इंटरस्टीशियल साइट है, इसमें कौन चला गया, धनायन, इसी क्रिस्टल का धनायन केटायन है, अपनी जगह छोड़ दी इसने, जगह छोड़ के क्रिस्टल के उसी क्रिस्टल के इंटरस्टीशियल साइट या अंतराकाश में चला गया। लेकिन ये जगह तो खाली होगी ना, अब इसकी जगह ये धनायन आ जाए मान लीजिए, तो इसकी जगह खाली होगी, इसकी जगह ये दवा धनायन चला जाए तो इसकी जगह खाली होगी, फिर इसकी जगह ये वाला केटायन चला जाए तो इसकी जगह भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या रहेगा कि फिर इसकी जगह ये वाला केटायन चला जाएगा, तो मतलब एक तो लास्ट में खाली रहेगी, जितने धनायन अंतराकाश में जाएंगे उतने ही धनायनों की जगह खाली हो जाएगी, साइट खाली हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे इसके अंदर कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन गति कर रहे हैं, केटायन्स, केवल केटायन्स ही गति कर रहे हैं, एनायन्स गति नहीं करते इसमें। इसके अलावा और इसमें क्या होता है कि अब ये क्रिस्टल का ये जो केटायन्स अंतराकाश में चला गया ना, इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया है, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट्स या अंतराकाशी दोष के नाम से इसे जाना जाएगा। इसमें देखें क्या रहेगा,
कारण से इसका नाम रखेंगे हम अंतराकाशी दोष, क्योंकि क्रिस्टल में से केटायंस अपने जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड्स या अंतराकाश में चला गया। इस कारण से हम इस दोष को अंतराकाशी दोष भी कहेंगे। और ये दोष सबसे पहले फ्रेंकल नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, देखा था, प्रेक्षित किया था, इस कारण से इसे फ्रेंकल दोष के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखें इसके अंदर अब ये आया था ना, ये होल बन गया यहाँ पे केटायंस वाली जगह पे, क्योंकि केटायंस वो चला गया, ये केटायंस आएगा, ये होल बन गया इसके जरिए ये केटायंस आएगा, फिर ये होल बनेगा इसके जरिए ये आएगा, फिर इसके जरिए ये आएगा। इस प्रकार से पूरे इसके अंदर क्रिस्टल के अंदर केटायंस हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते रहते हैं, इस कारण से इनके अंदर है वो ऊष्मा चालकता बोले या विद्युत चालकता उत्पन्न हो जाती है। तो इस डिफेक्ट के कारण भी चालकता उत्पन्न हो जाएगी, शॉर्ट के डिफेक्ट्स के कारण भी चालकता उत्पन्न हुई थी। अब बात ये आती है कि ये दोष या ये डिफेक्ट किस प्रकार के क्रिस्टलों में पाया जाएगा, तो ये किसकी विशेषता होती है कि ये डिफेक्ट्स उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें केटायंस और एनायंस के साइज में डिफरेंस ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा रहेगा। तो अपने को पता है सीधी सी बात है, एनायंस का साइज बड़ा होता है, केटायंस का साइज क्या होता है, छोटा होता है। इनको शो भी करें ना तो भी आपको ये शो करना है कि जैसे ये एनायंस है तो इसका साइज बड़ा रखना है, इसका छोटा करना है, इस प्रकार से अपने को शो करना है, ठीक है। तो ये दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं जिनमें धनायनों और ऋणायनों, केटायंस और एनायंस के साइज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। और ये बताइए केटायंस की तुलना में एनायंस का साइज है वो बड़ा रहेगा। एग्जाम्पल देखें तो सिल्वर के जो हैलाइड्स हैं जैसे AgF है, AgCl है, AgBr है, AgI है, तो सिल्वर के जितने भी हैलाइड्स हैं उन सभी हैलाइड्स में फ्रेंकल डिफेक्ट्स पाया जाता है। कारण रहेगा कि सिल्वर के हैलाइडों में केटायंस और एनायन के साइज में डिफरेंस ज़्यादा होता है, इस कारण से सिल्वर हैलाइडों में फ्रेंकल डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। अब इन दोनों डिफेक्ट्स, फ्रेंकल डिफेक्ट्स और शॉर्ट के डिफेक्ट्स की कंपैरिजन करें, दोनों में हमने ये देखा कि ये कॉमन एग्जांपल है AgBr सिल्वर हैलाइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि वह कौन सा आयनिक सॉलिड्स है जिसमें शॉर्ट की व फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। एकमात्र ऐसा आयनिक सॉलिड जिसमें शॉर्ट की और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट्स पाए जाते हैं वो रहेगा AgBr। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर ये क्वेश्चन आए कि AgBr में कौन से डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, तो ऑप्शन में दोनों दे अलग अलग, फिर एक ऑप्शन में आएंगे दोनों एक साथ में, तो उसमें आपको लिखना है कि AgBr में शॉर्ट की और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट्स पाए जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग हर बार एग्जाम में पूछ जाता है कि वह कौन सा आयनिक सॉलिड्स है जिसमें फ्रेंकल शॉर्ट की दोनों डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, तो आंसर रहेगा AgBr या सिल्वर हैलाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। आगे समझ में, ये रहेंगे आपके स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के दोनों टाइप, फ्रेंकल डिफेक्ट्स और शॉर्ट की डिफेक्ट्स। इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। सेकंड देखें स्टोइकियोमेट्रिक के बाद में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब इनका नाम भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है, तो ये पाए भी किन में जाएंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं उनमें ये दोष पाए जाते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होंगे, तो वे कंपाउंड्स जिनको एक जनरल फॉर्मूले के द्वारा एक्सप्रेस या शो नहीं किया जा सकता हो उन्हें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। तो सेकंड देखिए यहाँ पे सेकंड रहेगा आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। हिंदी में नाम रहेगा इनका एरस समीकरण में ये दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में देखें तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम एक जनरल फॉर्मूले के द्वारा एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, उन्हें हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहेंगे। अब एग्जांपल देखें कि जैसे कि लिख दिया हमने निकल ऑक्साइड, हम कहेंगे कि ये इसको तो हमने शो कर रखा है कि एक निकल है और एक ऑक्सीजन है, शो तो कर रखा है, लेकिन ऑक्सीजन जितने परसेंट प्रेजेंट है उसमें उतने परसेंट निकल तो है ही नहीं, इसलिए फॉर्मूला रियल में एक्चुअल में ऐसे होता है 0.98 और ऑक्सीजन।
नहीं ऑक्सीजन तो कंप्लीट 100% एक है यहाँ पे, लेकिन निकल एक नहीं है, निकल 0.98 है, एक से थोड़ा कम है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं, अब इसको हम इस फॉर्मूले से तो लिख नहीं सकते, क्योंकि निकल ऑक्साइड लिखेंगे तब हम साथ में ब्रैकेट में ये लिखेंगे कि निकल कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उस क्रिस्टल के अंदर। तो इसको हम इस जनरल फॉर्मूले से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इस कारण से ऐसे कंपाउंड्स को हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स या एरस समीकरण द्वितीय यौगिक कहेंगे। तो वे कंपाउंड्स जिनको एक जनरल फॉर्मूले के द्वारा हम एक्सप्रेस या शो नहीं कर सकते हो, उन्हें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। अब जो NaCl है ना, ये भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स हो सकता है, कब, जब सोडियम और क्लोरीन इक्वल मात्रा में नहीं हो, यहाँ पे समान मात्रा में नहीं हो, तो हम NaCl को क्या कहेंगे कि ये क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। ठीक है, देखें फिर इसको। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं वो क्या कहलाएंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। इसमें देखें आप, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में पाए जाएंगे। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स क्या होंगे जो भी बताएं, वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहलाएंगे। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स उत्पन्न होते हैं वो किस कारण से होंगे, तो देखिए दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स दो कारण से होंगे। फर्स्ट कारण रहेगा कि मेटल इन अक्षेस, हो सकता है उनमें धातु किस में हो, आधिक्य में हो, तब हम उसे बोलेंगे मेटल इन अक्षेस। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि मेटल उसमें क्या हो, कम मात्रा में हो जाए मेटल, तब उसको हम लिखेंगे मेटल डेफिशिएंसी। धातु इसको हम हिंदी बोलेंगे धातु आधिक्य, और इसको हम बोलेंगे धातु की न्यूनता या कमी। अब धातु का आधिक्य क्रिस्टल में दो प्रकार से हो सकता है, और धातु की डिफिशियंसी या न्यूनता है वो भी किसी क्रिस्टल में दो प्रकार से हो सकती है। तो हम कहेंगे कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स उत्पन्न होते हैं वो दो कारणों से होते हैं। फर्स्ट रहेगा मेटल इन अक्षेस, धातु आधिक्य में उपस्थित हो क्रिस्टल में, और दूसरे में मेटल ये धातु की क्या हो, कमी या न्यूनता हो। अब धातु से मतलब क्या है हमारा, दोनों कंडीशन में ही धातु से हमारा मतलब रहेगा केटायन से, क्योंकि जैसे NaCl है उसने क्या किया, बनाए किस रूप में प्रेजेंट होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन्स के रूप में। अब यहाँ पे जो Na पॉजिटिव केटायन्स है वही तो क्या है, मेटल है, सोडियम मेटल है, क्लोरीन तो मेटल है नहीं इसमें, तो जो केटायन्स होते हैं वही यहाँ पे किसके फॉर्म में, मेटल की फॉर्म में। तो मेटल बोले या केटायन्स बोले, मेटल की अक्षेस किसी भी क्रिस्टल में दो प्रकार से हो सकती है, दोनों को पढ़ेंगे, और मेटल की डिफिशियंसी है कमी वो भी किसी क्रिस्टल में दो प्रकार से हो सकती है, उसे भी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लिखें इसको मेटल इन अक्षेस धातु आधिक्य में, उसमें हम लिखेंगे कि धातु किसी भी क्रिस्टल में या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में धातु की आधिक्य या धातु की अक्षेस निम्न दो प्रकार से हो सकती है। अब वो प्रकार दो कौन कौन से रहेंगे वो देखें। फर्स्ट प्रकार मेटल इन अक्षेस में, देखें मेटल इन एक्सेस पढ़ेंगे पहले हम यहाँ पे, तो मेटल इन एक्सेस में पढ़ेंगे किसी भी क्रिस्टल में धातु का आधिक्य दो प्रकार से हो सकते हैं, उसमें से फर्स्ट टाइप रहेगा दो प्रकार से हो सकता है। उसमें फर्स्ट हम लिखेंगे कि मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल है, जैसे कि हमने मान लिया सोडियम क्लोराइड NaCl का क्रिस्टल है, हम बनाएंगे NaCl क्रिस्टल को, तो NaCl का जो क्रिस्टल है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एनायन से मिलके बना हुआ होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, फिर यहाँ पे आएगा Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव, इसी प्रकार से आगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ से वापस Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव, ये बन गया अपना NaCl का आयनिक क्रिस्टल है, उसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया।
अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या रहेगा। इस आयनिक क्रिस्टल में मेटल की अवशेष या धातु आधिक्य है वो किस प्रकार से होगा। अब मान लीजिए इस आयनिक क्रिस्टल में से कोई भी केटाइन्स एक या एक से अधिक मात्रा में एनाइन्स वो अपनी जगह छोड़ दे। मान लीजिए सीएल नेगेटिव था, अपनी जगह छोड़ के क्रिस्टल जालक में से बाहर चला गया। अब ये क्यों जाता है, उसके लिए ये कारण बताया गया कि जब हम NaCl का ये जो क्रिस्टल है उसको किसके साथ में करें, सोडियम धातु के साथ में गर्म करते हैं। NaCl के क्रिस्टल को सोडियम धातु के साथ गर्म करें तो यहाँ पे क्या है, सोडियम धातु क्या करेगी, क्रिस्टल की सतह पे Na पॉजिटिव आयन्स बनाएगी और इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, क्योंकि धातु का गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागना। तो सोडियम NaCl के क्रिस्टल को जब जब NaCl क्रिस्टल को हम सोडियम धातु के साथ में गर्म करते तो इस प्रकार से क्रिस्टल की सरफेस पे ये रिएक्शन हुई। अब इस सोडियम धनायन ने क्या किया, यहाँ से इस क्रिस्टल में से एनायंस को अपनी तरफ बुला लिया, यहाँ से एक एनायंस गया इसके पास में, तो इन दोनों ने आपस में क्रिया करके NaCl का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से निकला है वो क्या करेगा कि इस क्रिस्टल में आएगा और इस केटायंस सॉरी एनायंस वाली जगह पे जाके बैठ जाएगा। क्यों आया ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस केटायंस के चले जाने से यहाँ पे पॉजिटिव आवेश धनावेश बढ़ गया, ऋणावेश कम हो गया, तो इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स है वो इस क्रिस्टल में एनायंस की जगह आ जाता है, जिससे इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी तो बनी रहेगी, लेकिन इसमें जब हम रेशियो चेक करेंगे केटायंस एनायंस का तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो मेटल केटायंस है उनकी संख्या एनायनों से ज्यादा है। तो क्या हो गया, इस क्रिस्टल में मेटल आयनों की केटायनों की संख्या ज्यादा है तो हम कहेंगे कि धातु की अधिकता होगी क्रिस्टल में, ठीक है। तो इस कारण से जो दोष उत्पन्न होगा उसको हम कहेंगे धातु आधिक्य दोष के नाम से जानेंगे। और फर्स्ट कारण हो गया किस प्रकार से उत्पन्न होगा कि किसी भी आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में कोई अब ऋणायन अपनी जगह छोड़ के क्रिस्टल जालक में से बाहर चला जाए और उस ऋणायन की जगह इस क्रिस्टल को विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इस ऋणायन की जगह कोई इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, जिससे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है, लेकिन एक एनायन के कम हो जाने से यहाँ पे धातु धनायनों की संख्या बढ़ जाने से धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से NaCl का जो क्रिस्टल है वो येलो कलर का या पीले रंग का होता है। इसका कारण क्या होता है कि इस प्रकार से एक NaCl का क्रिस्टल था, उसको सोडियम धातु के साथ में गर्म किया। जब NaCl का क्रिस्टल है उसको सोडियम धातु के साथ में गर्म किया हमने, तो यहाँ से क्या हुआ कि Cl नेगेटिव एनायन निकल गया, इसके जगह इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन लाइट के विजिबल रीजन से रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन करेगा, अब्जॉर्प्शन करके ये हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा जहाँ पे ये अनस्टेबल होता है, तो ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए वापिस हाई एनर्जी लेवल से जब लो एनर्जी लेवल पे आता है, तो वापिस आते समय ये अवशोषित किए गए या अर्जोप किए गए कलर के कॉम्प्लीमेंट्री कलर या पूरक कलर का उत्सर्जन करता है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर रहेगा इसका येलो कलर। येलो कलर का ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आते समय इमिशन या उत्सर्जन करता है, इस कारण से NaCl का क्रिस्टल हमें येलो कलर का दिखाई देता है। अब इस इलेक्ट्रॉन के कारण से NaCl का क्रिस्टल येलो कलर का है ना, यानी इसे धातु आधिक्य दोष के कारण से NaCl के क्रिस्टल में क्या हुआ, दोष आया, तो इसके साथ में इसमें कलर भी आ गया। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि NaCl के क्रिस्टल का कलर कैसा होता है, येलो कलर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, इस कारण से इस इलेक्ट्रॉन्स वाली साइड को हम यहाँ पे एफ सेंटर के नाम से जानेंगे। एफ नेम कहाँ से लिया गया, जर्मन वर्ड है फोरबेन जेंटर से लिया गया, और जिसका फोरबेन जेंटर का मतलब होता है कलर उत्पन्न रंग उत्पन्न करने वाला, फोरबेन जेंटर वर्ड है जर्मन का, उससे ये नाम लिया गया है। इस कारण से इस इलेक्ट्रॉन्स वाली साइट को एफ सेंटर या एफ केंद्र के नाम से जानते हैं, क्योंकि एफ केंद्र में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसी इलेक्ट्रॉन्स के कारण से ये क्रिस्टल क्या है, कलर है, कलर्ड है, यानी इसमें कलर उत्पन्न हुआ है, इस कारण से इसे
एफ सेंटर के नाम से जानेंगे। आगे समझ में? और इसी कारण से पोटेशियम क्लोराइड जो KCl का जो क्रिस्टल होता है उसमें भी सेम यही प्रोसेस होगी, लेकिन वो कौन से कलर का होता है, बैंगनी या वायलेट कलर का होगा। ये रहेगा मेटल इनएक्सचेंज किसके कारण से, कि एनायंस है वो क्रिस्टल से बाहर चला गया और उसकी जगह क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन्स आ गया, जिससे धातु आधिक के दोष है वो यहाँ पे उत्पन्न हो गया। ये रहेगा फर्स्ट कारण से मेटल डिफिशियंसी वाला हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट देखेंगे कि धातु का अधिक क्रिस्टल में एक किस प्रकार से और हो सकता है। ठीक है, देखिए सेकंड कारण की धातु अधिक के दोष किसी भी क्रिस्टल में किस कारण से उत्पन्न हो सकता है। दूसरे कारण में ये रहेगा कि यदि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में से कोई कोई भी जो आयनिक क्रिस्टल है, उस आयनिक क्रिस्टल में जो मेटल कैटायंस प्रेजेंट है, धातु धनायन प्रेजेंट है, वैसे ही धातु धनायन बाहर से आ जाए क्रिस्टल में, तो कहाँ पे आते हैं मेटल कैटायंस? क्रिस्टल में आयन्स के बीच में जो इंटरस्टीशियल साइट या अंतराकाश प्रेजेंट होते हैं उनकी जगह आके क्या व्यवस्थित हो जाएंगे, कैटायंस। अब बाहर से कैटायंस आ गए तो उस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता या इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे साथ में। इलेक्ट्रॉन्स भी कहाँ रहेंगे, इंटरस्टीशियल साइट्स में जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही आए, एनायंस तो नहीं आए, बाहर से क्या आए, कैटायंस आए। कैटायनों के आने से उस क्रिस्टल में मेटल कैटायंस की संख्या बढ़ गई, हम कहेंगे वहां मेटल इनएक्सेस में हो गई, तो धातु आदि के दोष भी वहां पे उत्पन्न हो जाते हैं। तो दूसरा कारण रहेगा किसी भी क्रिस्टल में मेटल अवशेष या धातु आधिक्य होने का। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, तो जिंक ऑक्साइड में Zn+2 और -2 के रूप फॉर्म में रहेगा ये। अब इसका आयनिक क्रिस्टल बनाते तो उसमें देखें Zn+2 ऑक्साइड आयन, Zn+2 और ऑक्साइड आयन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑक्साइड आयन Zn+2 ऑक्साइड आयन और ये आ जाएगा Zn+2। यहाँ से स्टार्ट करेंगे Zn+2 ऑक्साइड आयन, Zn+2 और ये ऑक्साइड आयन, और -2 है, फिर ऑक्साइड आयन Zn+2 ऑक्साइड आयन और Zn+2, ये बन गया अपना क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल में धातु धनायन क्या है, Zn+2 आयन्स है वो इस क्रिस्टल में क्या है, धातु धनायन्स के फॉर्म में। अब इस क्रिस्टल को यदि हम किसके साथ में गर्म करें, जिंक के साथ में गर्म करते हैं, जिंक ऑक्साइड का ये क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल को हम जब ये क्रिस्टल की सरफेस हो गई जिंक धातु के साथ में, इस क्रिस्टल को जब हम गर्म करेंगे तो देखें इसमें क्या बनेगा। इस क्रिस्टल जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को जब हमने गर्म किया है जिंक धातु के साथ में, तो देखो जिंक धातु क्या करती है, Zn+2 और दो इलेक्ट्रॉन साथ में निकालेगी। अब ये जिंक धनायन है मेटल्स के, वो यहाँ आ जाएंगे इसके अंदर, तो धनायन से तो इस इंटरस्टीशियल साइट में जाएगा, आ गया। अब इस क्रिस्टल में क्या आ गया कि +2 चार्ज बढ़, धनायन धनावेश पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, कितना बढ़ गया, बाकी तो बैलेंस था, इसके आने से +2 बढ़ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन त्याग के आए ना, वो इलेक्ट्रॉन के पीछे पीछे आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। जरूरी नहीं यहीं पे लिखो, कहीं भी लिख दो लिखने क्रिस्टल में। अब क्रिस्टल क्या हो गया, विद्युत रूप से उदासीन हो गया, न्यूट्रल हो गया, क्योंकि दो आए थे कैटायंस, दो +2 चार्ज आए तो साथ में दो -2 भी आ गए। लेकिन जब हम ये चेक करें कि धातु धनायन कितने हैं और एनायंस कितने, तो हम देखेंगे कि Zn+2 धातु धनायन बढ़ गया ना, या फिर Zn+2 के आने से जिंक आयन के आने से, तो हम कहेंगे कि इस प्रकार से भी क्रिस्टल में क्या आ गई, धातु आधिक्य उत्पन्न हो गया, धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया। अभी जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो फ्री तो है ना इंटरस्टीशियल साइट अंतराकाश में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन सेम वही प्रोसेस करेंगे कि लाइट के विजिबल रीजन से, दर्शक क्षेत्र से रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेंगे, हाई एनर्जी लेवल पे जाएंगे, जहाँ ये अनस्टेबल होते हैं स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए वापस हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आएंगे, तो आते समय ये एब्जॉर्ब किए गए कलर के पूरक कलर या कॉम्प्लीमेंट्री कलर की रेडिएशन का इमिशन या उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण से
ये क्रिस्टल है वो हमें कलर दिखाई देता है, और जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल है वो किसका कैसे कलर का होता है, येलो कलर का हमें दिखाई देता है। आगे समझ में किस कारण से रहेगा, क्योंकि जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में धातु आधिक के दोष पाया जाते हैं, जिसके कारण से इसमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो इलेक्ट्रॉनों के कारण से इसमें क्या होते हैं कलर उत्पन्न होते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल में धातु का आधिक्य दो कारणों से होगा वो हमने बता दिया। एक तो क्या होगा कि क्रिस्टल में से कोई ऋण आयन अपनी जगह छोड़ के चला जाए तब भी धातु की अधिकता होगी, हो सकता है बाहर से धातु ऋण आयन ही आ जाए तो भी धातु की अधिकता होती है। तो इस प्रकार से मेटल इनअपशेष या धातु आधिक्य दोष नियम दो कारणों से किसी भी क्रिस्टल में उत्पन्न हो सकता है। इसके बाद में पढ़ेंगे मेटल डेफिशियंसी, धातु की न्यूनता है। अब धातु की न्यूनता भी किसी क्रिस्टल में दो प्रकार से हो सकती है। तो सेकंड लिखे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में मेटल डेफिशियंसी। सेकंड रहेगा मेटल डेफिशियंसी, ठीक है। अब धातु की कमी होना, धातु की कमी जैसे धातु की अधिकता हुई थी वैसे धातु की कमी भी हो सकती है किसी क्रिस्टल में। तो धातु की कमी है किसी भी क्रिस्टल में वो भी दो कारणों से हो सकती है। देखिए कौन कौन से कारण रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे इसमें कि मेटल डिफिशियंसी भी दो प्रकार से हो सकती है। जैसे हम ये क्रिस्टल मान लें कि ये क्रिस्टल आयरन ऑक्साइड का है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड बोल देंगे। यहाँ पे हम क्रिस्टल चेंज करेंगे सारे कि क्या है ये तो ओ नेगेटिव टू ही रहेंगे, लेकिन ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे फेरस वाले हो जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे कौन से रहेंगे, फेरस वाले हो जाएंगे। आयरन ऑक्साइड का ये क्रिस्टल है। अब देखिए इसमें आयरन ऑक्साइड का ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में हुआ क्या है वो देखें। अब मान लीजिए कोई भी धनायन है वो अपनी जगह छोड़ के क्रिस्टल में से बाहर निकल जाए, जैसे कि हमने बोला कि ये वाला जो Fe+2 था ये क्रिस्टल में से चला गया जगह छोड़ के। अब हमें क्रिस्टल की इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी या विद्युत उदासीनता को बनाए रखना है, तो हम क्या करेंगे देखें, +2 चार्ज कम हो गया क्योंकि यहाँ से Fe हो गया क्रिस्टल में से, एक Fe+2 धनायन है वो क्रिस्टल में से जगह छोड़ के चला गया। हमें क्या करना है, क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता बनाए रखनी है। अब ये पता है कि आयरन है वो चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जा सकता है इस क्रिस्टल में आयरन +2 में। अब आयरन क्या करेगा कि कोई भी दो आयरन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन खो देंगे और वे +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएंगे। जैसे ये वाला आयरन है और ये वाला आयरन है, इन्होंने क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो ये +2 से +3 में चेंज हो जाएंगे। अब जो इसके जाने से यहाँ पे Fe+2 था उसके जाने से +2 चार्ज कम हुआ था, वो यहाँ यहाँ बढ़ जाने से न्यूट्रल बैलेंस हो गया, लेकिन क्रिस्टल तो विद्युत उदासीन हो गया लेकिन यहाँ पे जो मेटल केटायंस था वो चला गया। तो इस पूरे क्रिस्टल में केटायंस एनायंस का रेशियो देखें तो हमें ये मिलेगा कि इस क्रिस्टल में से मेटल केटायंस है उनकी संख्या कम होगी, तो हम ये कहेंगे कि उस क्रिस्टल में मेटल डिफिशियंसी या धातु न्यूनता दोष है वो उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से किसी भी क्रिस्टल में धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होगा, ये रहेगा धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होने का फर्स्ट कारण। उसके बाद देखेंगे कि किसी भी क्रिस्टल में धातु की जो न्यूनता या कमी है एक कारण और भी है, उस कारण से भी किसी भी क्रिस्टल में धातु की कमी या न्यूनता उत्पन्न हो सकती है। अब वो कारण कौन सा रहेगा दूसरा वो भी देखेंगे। एक तो ये हो गया कि क्रिस्टल में से कोई भी केटायंस चला जाए अपनी जगह छोड़ के, और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए निकटवर्ती केटायंस वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को एक एक से बढ़ा ले तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता तो बनी रहेगी, लेकिन क्रिस्टल में केटायंस के चले जाने से वहां धातु या मेटल्स की डिफिशियंसी या न्यूनता उत्पन्न हो जाती है। अब दूसरा कारण देखेंगे मेटल की डिफिशियंसी किस कारण से हो सकती है। अब मेटल की डिफिशियंसी का दूसरा कारण रहेगा यहाँ पे
मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल है, जैसे इसी क्रिस्टल की या फिर ए बी टाइप क्रिस्टल की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि धातु की न्यूनतर, धातु न्यूनतर है वो किसी भी क्रिस्टल में दूसरी किस प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। अब हम जो क्रिस्टल यहाँ पे देखेंगे वो क्रिस्टल रहेगा यहाँ पे ए पॉजिटिव। यहाँ भी जो केटाइन्स ऐसे होंगे जो चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित कर सकते हो। अब ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, या आयनिक क्रिस्टल है, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव और ये बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव, ये इस प्रकार से बना हुआ आपका एक आयनिक क्रिस्टल है। हो गया क्या? देखो इस आयनिक क्रिस्टल में से मान लीजिए बाहर से कोई भी एनायंस है, ये जो बी नेगेटिव एनायंस जो इस क्रिस्टल में प्रेजेंट है, ऐसा ही एनायंस है वो इस बाहर से आए और क्रिस्टल में आकर के इस क्रिस्टल के अंतराकाश में आ गया। अब क्या होगा कि क्रिस्टल में नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, हमें क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल यानी कि विद्युत उदासीन बनाए रखना है। तो इस क्रिस्टल का कोई भी एक धनायन है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट एक नंबर से बढ़ा लेगा, बढ़ा लेगा। तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव, पहले तो वैलेंस था, अब इसके आने से -1 बढ़ गया, तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और एक +1 और बढ़ा लिया। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल हो गए तो हम कहेंगे क्रिस्टल क्या हो गया, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल या विद्युत रूप से उदासीन हो गया। लेकिन इस क्रिस्टल में कैटायंस और एनायंस का रेशियो चेक करें तो हम देखेंगे कि ये जो एनायंस इस क्रिस्टल में बाहर से आए हैं उनकी संख्या ज्यादा है, इनकी संख्या ज्यादा है, तो इनकी कंपेरिजन में जो कैटायंस है ए पॉजिटिव उनकी संख्या तो कम होगी, उनकी संख्या कम होगी तो हम कहेंगे कि इस क्रिस्टल में मेटल डिफिशियंसी या धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो गया। अब ये बोलते हैं कि जनरली इस कारण से, ये जो सेकेंड कारण बताया है कि क्रिस्टल में बाहर से एनायन से धातु बाहर से ऋणायन आकर के इस क्रिस्टल के अंतराकाश में आ जाते हैं, इस कारण के लिए बोला जाता है कि जनरली इस कारण से क्रिस्टल में धातु न्यूनता दोष बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि ऋणायनों का आकार बड़ा होने के कारण वे क्रिस्टल के अंतराकाश स्थानों में फिट नहीं हो पाते हैं। इस कारण से, इस वजह से धातु न्यूनता दोष बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है, क्योंकि केटाइन्स के, क्योंकि ये इंटरस्टीशियल साइट है, किसके लिए होती है, केटाइन्स के लिए होती है। छोटी होती है इसकी साइज, साइज इसकी छोटी है, लेकिन एनायंस का साइज बड़ा होने के कारण से वो इस इंटरस्टीशियल साइट्स में फिट नहीं बैठ पाते हैं। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे ये जो दूसरा कारण हमें अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, उस कारण से क्रिस्टल में मेटल डिफिशियंसी या धातु न्यूनता दोष है वो बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है। तो धातु की डिफिशियंसी या न्यूनता है वो इसका जो फर्स्ट रीजन था जनरली उसी के कारण से ये उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिए ये हो गए आपके स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद में लास्ट टाइप के जो डिफेक्ट्स आपके बचे हैं वो रहेंगे केमिकल इम्प्योरिटीज या रासायनिक अशुद्धियाँ। यानी क्रिस्टल में यदि हम बाहर से रासायनिक अशुद्धियाँ मिलाते हैं ना, किसी भी कंपाउंड्स की जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होते हैं उनको हम बोलते हैं रासायनिक अशुद्धियाँ या केमिकल इम्प्योरिटीज के मिलाने से उत्पन्न होने वाले दोष। उनके कारण से भी क्रिस्टल में चालकता उत्पन्न हो जाएगी, कलर उत्पन्न हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मेटल, किसी भी मेटल के क्रिस्टल में किस प्रकार से केमिकल इम्प्यूरिटीज मिलाएंगे और किस प्रकार से उनमें दोष या डिफेक्ट्स हैं वो उत्पन्न होंगे। तो थर्ड टाइप के जो डिफेक्ट्स हैं वो आपके रहेंगे केमिकल इम्प्यूरिटीज, या इन्हें बोलेंगे हम उसको रासायनिक अशुद्धियाँ। ठीक है, तो थर्ड देखें, थर्ड टाइप के जो डिफेक्ट्स हैं उनको हम बोलेंगे केमिकल इम्प्यूरिटीज, यानी रासायनिक अशुद्धियां, केमिकल इम्प्यूरिटीज रासायनिक अशुद्धियां। देखें दो प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं रासायनिक अशुद्धियों से दोष है वो। फर्स्ट में ये रहेगा इसके अंदर कि मान लीजिए
हमने कोई क्रिस्टल लिया है यहाँ पे, NiO का क्रिस्टल ले ले, निकल ऑक्साइड का, तो निकल ऑक्साइड के क्रिस्टल में देखो क्या रहेगा, Ni+2 O-2, Ni+2 और उसके बाद में O-2। अब ये जो निकल ऑक्साइड का क्रिस्टल है उसमें हमने मिला दिया लिथियम की अशुद्धि मिला दी। क्रिस्टल किसका था? निकल ऑक्साइड का। इम्प्यूरिटी जो मिलाई है हमने बाहर से वो रहेगी यहाँ पे लिथियम की। अब इस लिथियम की इम्प्यूरिटी मिलाने से इस क्रिस्टल में जो चेंज होगा वो देखें क्या होगा। चेंज इस क्रिस्टल में ये रहेगा कि लिथियम है इसके धनायंस बनेंगे, जैसे यहाँ पे बन गया, या फिर हम बोले लिथियम ऑक्साइड का क्रिस्टल बनाते हैं, मिला दिया लिथियम ऑक्साइड की इम्प्यूरिटीज हमने मिला दी। तो होगा ये कि इसमें से कुछ निकल धनायनों के स्थान पे लिथियम के धनायंस हैं वो आ जाएंगे, और क्या बचेगा यहाँ पे Ni+2। ये था आपका निकल ऑक्साइड का क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल में आएगा आपके, इस क्रिस्टल की रिएक्शन करवाई है हमने लिथियम ऑक्साइड के साथ में, निकल ऑक्साइड में तो क्या है Ni+2 O-2, और इसमें क्या बनेंगे देखो, Al+ और O-2, और इसमें क्या बन गए Ni+2 और O-2। अब दोनों में जो ऑक्साइड आए हैं O-2 O-2, दोनों में क्या है, कॉमन है, इसकी तो कोई बात ही नहीं करेंगे, बात होगी Ni+2 और लिथियम पॉजिटिव। जब यहाँ से क्या करेंगे कि मान लीजिए इस क्रिस्टल में से एक Ni+2 बाहर गया, एक Ni+2 बाहर जाएगा, तो उसकी जगह क्या आ गया, एक लिथियम का धनायन आ गया। इस क्रिस्टल में क्या हुआ कि माइनस में Na, इसके साथ में क्या, तो माइनस में सॉरी Ni+2 बाहर निकल गया, प्लस में उसकी जगह एक लिथियम धनायन गया। अब देखो इस क्रिस्टल में क्या हुआ, गया तो +2 वाला बाहर है और आया +1 वाला अंदर है, तो एक पॉजिटिव की कमी होगी, +2 बाहर गया एक प्लस अंदर आ गया, अभी भी एक प्लस की कमी है, तो एक प्लस की कमी को दूर करने के लिए कोई भी एक धनायन है जो पहले से इसमें क्रिस्टल में प्रेजेंट है वो धनायन अपना एक इलेक्ट्रॉन खो करके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर लेगा। अब इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक निकल के केटायन ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से बढ़ा के क्या कर ली, +3 कर ली। अब क्या करेगा, ये +3 वाला बना है, फिर ये +3 वाला बन जाएगा, क्योंकि इसका जो फिर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा उस इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेगा, ये +2 में आ गया, ये +3 में, फिर यहाँ से चेंज होगा, ये +3 वाला बनेगा, ये +2 वाला। इस प्रकार से इस पूरे क्रिस्टल में जो एक इलेक्ट्रॉन से उसकी गति होती रहती है, इस कारण से ये क्रिस्टल क्या होगा, चालकता प्रदर्शित करता है। तो केमिकल इम्प्यूरिटीज मिलाने से इसमें जो डिफेक्ट्स उत्पन्न हुआ है उसके कारण से इस क्रिस्टल में क्या आ गई, चालकता आ गई। ये रहेगी आपके फर्स्ट टाइप की केमिकल इम्प्योरिटीज। उसके बाद में देखिए सेकेंड टाइप की केमिकल इम्प्योरिटीज है वो हम किस प्रकार से मिला सकते हैं। उसके लिए हम क्रिस्टल तो कैसा लेंगे, क्रिस्टल तो हम लेंगे इस NaCl का, और उसमें मिलाएंगे क्या, हम उसमें हम मिलाएंगे CaCl2 की इम्प्योरिटीज। तो इसमें क्या है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इसमें क्या है Ca+2 2Cl नेगेटिव, इसके अंदर मिलाए तो इस क्रिस्टल में चेंज क्या रहेगा इसमें, कि माइनस में 2 सोडियम के धनायन बाहर निकल जाएंगे और CaCl2 से एक धनायन कैल्शियम का इस क्रिस्टल के अंदर प्रवेश करेगा, ये रहेगा इसके अंदर। अब मान लीजिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रिस्टल किसका है, NaCl का है, सीएल नेगेटिव और ये ठीक है, ये NaCl का क्रिस्टल है। इस NaCl के क्रिस्टल में हमने क्या किया, हम इसको Na सोडियम बनाए थे सभी जगह, Na पॉजिटिव। अब देखें क्या होगा Na पॉजिटिव वाले इस क्रिस्टल में,
इसके क्रिस्टल को हमने CaCl2 के साथ में गर्म किया, तो इस क्रिस्टल में से कोई भी दो Na पॉजिटिव आयन क्रिस्टल में से बाहर चले गए। अब हमने बोला कि एक तो ये Na पॉजिटिव गया, एक ये Na पॉजिटिव गया, दो Na पॉजिटिव गए तो क्रिस्टल में 2+2 की कमी होगी, 2+2 की कमी होगी तो बाहर से एक क्या आया, Ca+2 आया, तो एक ही है जगह दो के खाली है, तो Ca+2 के टाइम्स इसमें से किसी भी एक जगह आ जाएगा। अब क्रिस्टल तो विद्युत रूप से उदासीन हो गया क्योंकि 2+2 चार्ज गए थे, तो एक पूरा +2 चार्ज आ गया, लेकिन इसमें से एक सोडियम धनायन की जगह खाली रहेगी, होल बन गया। अब इस सोडियम धनायन में ये इस होल में ये जाएगा, फिर ये वेकेंट रहेगा, इसमें फिर ये जाएगा, ये वेकेंट हो जाएगा, फिर इसके अंदर ये जाएगा, ये वेकेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस पूरे क्रिस्टल में जो एक वेकेंट होल है उसका लोकलाइजेशन होता रहता है, यानी पूरे क्रिस्टल में जो होल है वो गति करता रहता है, जिसके कारण से इस क्रिस्टल में चालकता उत्पन्न हो जाती है। ये रहेंगे आपके केमिकल इम्प्यूरिटीज मिलाने से जो दो प्रकार के डिफेक्ट्स उत्पन्न होते हैं वो। ये रहेंगे आपके लैटिस डिफेक्ट्स, स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक और केमिकल इम्प्योरिटी। स्टोइकोमेट्रिक में फ्रेंकल और दूसरा था आपका सोटकी, और नॉन स्टोइकोमेट्रिक में मेटल इनएक्सेस दो प्रकार से, मेटल डिफिशियंसी दो प्रकार से। थर्ड रहेगा केमिकल इम्प्योरिटी जो कि दो प्रकार से होती है। तो ये हो गए आपके लैटिस डिफेक्ट्स। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।